हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। सो प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंक्लूड एनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चर करके आपने कुछ डिज़ाइन किया है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन आपने डिज़ाइन किया तो वो भी एक प्रोडक्ट है। आपने कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, वो भी एक क्या है, प्रोडक्ट है। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ये कुछ भी आपका हो सकता है, आप सॉफ्टवेयर की बात करें या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की बात करें। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट दिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट आपको मिलता है वो क्या कहलाता है आपका, वो प्रोडक्ट कहलाता है। अब प्रोसेस, प्रोसेस इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप दैट हैव टू फॉलो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में जितने आप स्टेप फॉलो करें वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रोसेस। प्रोसेस का मीनिंग क्या है, स्टेप ऑफ सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप दैट हैव फॉलो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए जितने आप फॉलो करें स्टेप, वो कहलाते हैं आपके प्रोसेस। द मेन पर्पस ऑफ प्रोसेस इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यही मेन पर्पस होता है आपका प्रोसेस का। अब डिफरेंस की में देख लेते हैं, उसी में आपको क्लियर हो जाएगा दोनों प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में। तो एक तरफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस हमने लिख दिया है। प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो फाइनल आउटकम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। द प्रोसेस इज द सेट ऑफ सीक्वेंस स्टेप दैट हैव टू बी फॉलो टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितने आप स्टेप फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोसेस। प्रोडक्ट फोकस ऑन द फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट पे फोकस करेगा। ये वो फाइनल रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए स्टेप जो आप एनरोल कर रहे हैं उस पे डील करता है आपका प्रोसेस। प्रोडक्ट की बात करते हैं। सो प्रोडक्ट टेंड टू बी अ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट। ये शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट होता है आपका, यानी शॉर्ट टर्म में ही आपका डेवलप हो जाता है। एंड प्रोसेस टेंड टू बी अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म मतलब हर एक स्टेप आपको बताएगा कि इस स्टेप में आपने क्या किया, इस स्टेप में क्या होगा, तो वो प्रोसेस के अंदर आपका होता है। जबकि प्रोडक्ट जो है वो लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिला वो आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट फॉलो दी फॉर्म गाइडलाइंस, फॉर्म की जो गाइडलाइंस है उसको ये फॉलो करता है। एंड प्रोसेस फॉलो दी गाइडलाइंस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मतलब डेटा एज अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट में आपका डिजाइन हो एंड पर्टिकुलर टाइम लिमिट में डिजाइन हो जाए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करता है आपका प्रोसेस। द गोल ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी कंप्लीट द वर्क सक्सेसफुल। आपका जो प्रोडक्ट का जो गोल होता है, प्रोडक्ट का गोल है कि वर्क आपका सक्सेसफुल डिजाइन हो गया है। गोल ऑफ प्रोसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना वो कहलाता है आपका प्रोसेस का वो काम होता है। प्रोडक्ट इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, उसको लेके आप प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करते हैं। जबकि प्रोसेस, आप कस्टमर की नीड और उसको आपने क्रिएट तो करना है, बट उसके अंदर जो प्रोसेस आप चलेंगे वो किसके करेंगे, आप इंजीनियरिंग के थ्रू करेंगे। द प्रोसेस सर्व एज द मॉडल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस गुड इज सिमिलर वे। मतलब उसके अंदर आपने बहुत सारे मॉडल यूज करें, किस मॉडल से आप इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं वो प्रोसेस आप, प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करेंगे। इट्स मेन गोल इज टू कंप्लीट द वर्क इफेक्टिवली। मतलब इसका जो मेन गोल क्या होता है आपका, जो वर्क है वो इफेक्टिवली आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड इसका मेन मेन गोल क्या होता है आपका, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो हो आपका एक बेटर क्वालिटी में डिजाइन हो, ये मेन गोल होता है आपका प्रोसेस का। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। याद रखिएगा, प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनल आउटकम होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। एंड जो प्रोसेस है उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो कहलाते हैं आपके प्रोसेस। उसको हम लोग प्रोसेस मतलब स्टेप ऑफ कंडीशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपके प्रोसेस कहलाते हैं। तो ये था आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट।